हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली हसनाले आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में षष्ठ पाठ का हिंदी अनुवाद समझाया था, तो अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य प्रारंभ करते हैं। प्रश्न नंबर एक में हमें दिया गया है उच्चारणम कुरुत, इसका मतलब होता है उच्चारण करो। तरंगे है मतलब लहरों से या लहरों के साथ। मत्स्य जीविनः मतलब मछुआरे। विदेशी पर्यटकेभ्यः मतलब विदेशी पर्यटकों को। संगमः मतलब मिलन। त्रिशशु मतलब तीनों में। विदेशिक व्यापाराय मतलब विदेशियों के व्यापार के लिए। प्रायद्वीपः मतलब तीन तरफ जल से घिरा भूभाग। बंगोपसागरः मतलब बंगाल की खाड़ी। चंद्रोदयः मतलब चंद्र उदय। आपको प्रश्न नंबर एक समझ में आया? प्रश्न नंबर एक में हमें दिया गया था उच्चारणम कुरुत, मतलब कि उच्चारण करो, हमें इसका उच्चारण करना था। अब प्रश्न नंबर दो, प्रश्न नंबर दो में हमें दिया गया है अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तरम लिखत, मतलब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, हमें ये प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों के हमें उत्तर लिखना है। ठीक है, आया समझ में आपको? प्रश्न नंबर क ना, क में हमें क्या है दिया है, जनाहा काभी ही जल विहारम कुर्वन्ति, इसका मतलब होता है लोग किसके द्वारा जल विहार करते हैं, मतलब लोग किसके द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि लोग नौकाओं के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं, है ना, हम लोगों ने पढ़ा था। तो हम क्या लिखेंगे, जनाहा नौका भी ही, जनाहा नौका भी ही जल विहारम कुर्वन्ति, जनाहा नौका भी ही जल विहारम कुर्वन्ति, इसका मतलब होता है लोग नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। ठीक है, देखो ये हमें इस प्रश्न में सिर्फ क्या चेंज करना है, काबी ही की जगह हमें नौका भी ही लिखना है। ठीक है, बाकी पूरा सेम है। देखो जना भी सेम है, जल विहारम भी सेम है, कुर्वंती भी सेम है। ठीक है, हमने काबी ही की जगह क्या लिखा, नौका भी ही, बाकी पूरा प्रश्न सेम है। ठीक है, हमारा प्रश्न था जनाहा काबी ही जल विहारम कुर्वंती, मतलब लोग किसके द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं, तो लोग नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। आया समझ में आपको? अब ख में देखो, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, मतलब कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है। हमने पढ़ा था भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई नगर का मेरीना तट है ना। तो हम क्या लिखेंगे, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। ठीक है, भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई नगर का मेरीना तट है। आया समझ में? देखो हमने क्या करा, कह की जगह हमने लिखा चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः, बाकी पूरा प्रश्न हमारा सेम है। ठीक है, हम इसको कैसे लिख सकते थे, एक और, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, अब द में देखो, जनाः कुत्र स्वैरं विहरन्ति, इसका मतलब होता है लोग कहाँ बेरोक टोक घूमते हैं। ठीक है, कहाँ बेरोक टोक घूमते हैं लोग, हाँ बताओ, लोग कहाँ बेरोक टोक घूमते हैं, लोग मुंबई नगर के जुहू तट में बेरोक टोक घूमते, हमने अपने पाठ में पढ़ा था।
क्या लिखेंगे? जनाः मुंबई नगरस्य, जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैराम विहरन्ति। ठीक है, जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैराम विहरन्ति, इसका मतलब होता है लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर बेरोक टोक घूमते हैं। हमारा प्रश्न था लोग कहाँ बेरोक टोक घूमते हैं, तो इसका उत्तर हुआ लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर बेरोक टोक घूमते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न घ में देखो, बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति, इसका मतलब होता है लड़के बालुओं से क्या बनाते हैं। ठीक है, लड़के बालुओं से क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं लड़के बालुओं से, हम लोगों ने पढ़ा था बालू का घर बनाते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम क्या लिखेंगे? बालकाः बालुकाभिः बालुकाग्रहं रचयन्ति, इसका मतलब होता है लड़के बालुओं से बालू का घर बनाते हैं। ठीक है, हमने किम की जगह क्या लिखा? बालू का ग्रहण, बाकी हमारा पूरा प्रश्न सेम है। ठीक है, देखो बालकाः बालुकाभिः किम रचयन्ति, इसका मतलब होता है लड़के बालुओं से क्या बनाते हैं, इसका उत्तर हुआ लड़के बालुओं से बालू का घर बनाते हैं। आया आपको घ समझ में? अब नेक्स्ट अंग में देखो, कोची तटः केभ्यः ज्ञायते, इसका मतलब होता है कोची तट किसके लिए जाना जाता है, किसके लिए जाना जाता है। हमने पढ़ा था कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है, हम लोगों ने पढ़ा था, है ना, तो हम क्या लिखेंगे? कोची तटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते, इसका मतलब होता है कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, हमारा प्रश्न था कोची तट किसके लिए जाना जाता है, तो कोची तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। ठीक है, हमें प्रश्न क्या दिया था कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अब देखना, प्रश्न क में दिया था जनाः काभिः जल विहारम कुर्वन्ति, मतलब लोग किसके द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं, उत्तर है जनाः नौकाभिः जल विहारम कुर्वन्ति, लोग नाव के द्वारा जल क्रीड़ा करते हैं। ख में हमें दिया है भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः कः, यानी कि भारत का सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है, तो इसका उत्तर हुआ भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः। ठीक है, भारत का सबसे लंबा समुद्र तट चेन्नई नगर का मेरीना तट है, हम इसको कैसे लिख सकते थे, एक और, चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः भारतस्य दीर्घतमः समुद्र तटः, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जनाः कुत्र स्वैराम विहरन्ति, इसका मतलब होता है लोग कहाँ बेरोक टोक घूमते हैं, इसका उत्तर हुआ जनाः मुंबई नगरस्य जुहू तटे स्वैराम विहरन्ति, इसका मतलब होता है लोग मुंबई नगर के जुहू तट पर बेरोक टोक घूमते हैं। नेक्स्ट है घ में बालकाः बालुकाभिः किं रचयन्ति, इसका मतलब होता है लड़के बालुओं से क्या बनाते हैं, बालकाः बालुकाभिः बालुकाग्रहं रचयन्ति, इसका मतलब होता है लड़के बालुओं से बालू का घर बनाते हैं। नेक्स्ट अंग में
कोचि तटः केभ्यः ज्ञायते, इसका मतलब होता है कोचि तट किसके लिए जाना जाता है। उत्तर है कोचि तटः नारिकेल फलेभ्यः ज्ञायते, इसका मतलब होता है कोचि तट नारियल के फलों के लिए जाना जाता है। आया आपको प्रश्न नंबर 2 समझ में? ठीक है, अब हमारा प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया है मंजूषात पदानि चित्वा रिक्ति स्थानानि पूर्यत, इसका मतलब होता है मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, हमें क्या करना है, मंजूषा से इन पदों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, अब हमें दिया है मंजूषा में पहला बंगोपसागर, इसका मतलब होता है बंगाल की खाड़ी। प्रायद्वीप, इसका मतलब होता है तीन तरफ जल से घिरा भूभाग। पर्यटनाय, इसका मतलब होता है घूमने के लिए। क्रीड़ा, क्रीड़ा का मतलब होता है खेल। संगम, मतलब इसका होता है मिलन। ठीक है, अब क क में दिया है कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम भवति, मतलब कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का होता है। क्या होता है तीनों सागरों का? संगम होता है, तो हम क्या लिखेंगे, संगम। ठीक है, फर्स्ट में क्या आएगा, संगम। कन्याकुमारी तटे त्रयाणाम सागराणाम संगम भवति, मतलब कन्याकुमारी तट पर तीनों सागरों का संगम होता है। नेक्स्ट ख में दिया है भारत देशः इति कथ्यते, मतलब भारत देश को कहा जाता है। अब भारत देश को क्या कहा जाता है, हमने पढ़ा था प्रायद्वीप, पढ़ा था हमने भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है, तो हम लिखेंगे प्रायद्वीप। ठीक है, भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। नेक्स्ट है ग में दिया है जनाः समुद्र तटम् आगच्छन्ति, मतलब लोग समुद्र तट पर आते हैं। ठीक है, लोग समुद्र तट पर आते हैं, क्या करने आते हैं लोग समुद्र तट पर? हाँ, हमने पढ़ा था पर्यटनाय, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, जना समुद्र तटम पर्यटनाय आगच्छन्ति, मतलब कि लोग समुद्र तट पर घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट है बालेभ्यः रोचते, मतलब कि बच्चों को अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है बच्चों को? खेल अच्छा लगता है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रीड़ा। ठीक है, बच्चों को खेल अच्छा लगता है, बालेभ्य क्रीड़ा रोचते। नेक्स्ट है अंग में भारतस्य पूर्व दिशायाम अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में है। क्या है भारत के पूर्व दिशा में? बंगाल की खाड़ी, तो हम क्या लिखेंगे, बंगो सागरः। ठीक है, भारतस्य पूर्व दिशायां बंगोपसागरः अस्ति, भारत के पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है। आया प्रश्न नंबर 3 समझ में? प्रश्न नंबर 3 में हमें दिया गया था मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब कि मंजूषा से पदों को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हमें ये शब्द दिए गए थे, इन शब्दों को हमें चुनकर हमें इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 4 में हमें दिया है यथा योग्यम योजयत, इसका मतलब होता है यथा योग्य मेल करो, मतलब कि जो सही दिया है उनकी जोड़ी बनाओ। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें सही के सामने सही की जोड़ी बनानी है। पहले इन सभी का मतलब समझ लो, समुद्र तटह मतलब समुद्र का किनारा, क्रीडनकम मतलब खिलौने, दुग्धम मतलब दूध, दीपकः मतलब दीपक, विद्या मतलब विद्या। ठीक है, ज्ञानाय मतलब ज्ञान के लिए, पोषणाय मतलब पोषण के लिए, प्रकाशाय मतलब प्रकाश के लिए, पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए, खेलनाय मतलब खेलने के लिए। ठीक है, आया समझ में? अब हमें क्या करना है, इनकी जोड़ी बनानी है। अब फर्स्ट दिया है समुद्र तटह, समुद्र तटह में इसमें से क्या आएगा,
लोग समुद्र तट पर क्या करने आते हैं? घूमने के लिए। तो ये हमारा क्या हुआ? फर्स्ट हुआ, समुद्र तट पर्यटन आए। नेक्स्ट है क्रीडनकम, मतलब खिलौना, है ना? तो खिलौना किस लिए होता है? खेलने के लिए। ठीक है, खिलौना किस लिए होता है? खेलने के लिए। तो क्या होगा? क्रीडनकम, खेलना। नेक्स्ट है दुग्धम, दुग्धम किसके लिए होता है? पोषण आय, पोषण के लिए। ठीक है, दुग्धम पोषण आय। नेक्स्ट है दीपक, दीपक प्रकाश आय। ठीक है, दीपक किसके लिए होता है? प्रकाश के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विद्या ज्ञान आय, विद्या ज्ञान के लिए होती है। ठीक है, आया समझ में? प्रश्न नंबर 4 में हमें सही जोड़ी बनानी थी, समुद्र तट पर्यटन आय, क्रीडनकम खेलना है, दुग्धम पोषणाय, दीपक प्रकाशाय, विद्या ज्ञानाय। ठीक है, आया आपको प्रश्न नंबर 4 समझ में? अब प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 में हमें दिया गया है तृतीया विभक्ति प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत। इसका मतलब होता है तृतीया विभक्ति के प्रयोग के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। ठीक है, आपको इस प्रश्न में क्या करना है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग करके इन रिक्त स्थानों को भरना है। ठीक है, यथा, यथा हमें दिया है व्योमः मित्रेण सह गच्छति। इसका मतलब होता है व्योम मित्र के साथ जाता है। ठीक है, अब तृतीया विभक्ति का मतलब क्या? तृतीया विभक्ति का मतलब जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है, वो हमारी तृतीया विभक्ति होती है। और इसका कारक चिन्ह क्या होता है? से के द्वारा। ठीक है, तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है से के द्वारा। ठीक है, अब हमें मित्र शब्द दिया गया था और हमें क्या बोला है? इसमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो मित्र की तृतीय विभक्ति क्या है? मित्रे। ठीक है, आया समझ में? अब क, क हमें दिया है बालकाः सह पठन्ति, मतलब लड़कों के साथ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या है? बालिका। ठीक है, तो बालिका की तृतीय विभक्ति क्या होगी? हाँ, बालिका की तृतीय विभक्ति, इसकी तृतीय विभक्ति होगी बालिका भी। ठीक है, इसकी तृतीय विभक्ति होगी बालिका भी। क्यों होगी? समझना ध्यान से। बालकाः हमारा बहुवचन है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यदि हमारा वाक्य बहुवचन का होगा तो हम यहाँ पर बहुवचन ही लिखेंगे ना। ठीक है, बालकाः हमारा बहुवचन है, इसी कारण से हमने बालिका का भी बहुवचन लिखा है। ठीक है, इसका एक वचन क्या होगा? बालिकया, द्विवचन होगा बालिकाभ्याम, और बहुवचन होगा बालिका भी। ठीक है, बालकाः बालिकाभ्या, सॉरी, बालकाः बालिका भी ही सह पठन्ति, मतलब कि लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं। आया समझ में? हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना था। ठीक है, हम यहाँ पर बालिकया लिख सकते थे, पर यदि यहाँ पर क्या होता? यहाँ पर हमारा एक वचन होता। ठीक है, पर यहाँ पर हमारा क्या है? बहुवचन है, हमारा पूरा वाक्य बहुवचन है, इसलिए हमने बालिका का बहुवचन लिखा है, बालिका भी। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया है तड़ागह विभाति। ठीक है, तालाब में सुशोभित होता है, और हमें शब्द दिया है कमल। तो हम इसका बहुवचन क्या लिखेंगे? हम इसका बहुवचन लिखेंगे कमलेह। अब क्यों लिखेंगे ये समझना। ठीक है, क्योंकि तालाब में एक फूल खिलता है क्या? नहीं खिलता, है ना? तालाब में तो बहुत सारे फूल खिलेंगे, इसी कारण से मैंने तृतीया विभक्ति का बहुवचन लिखा है। ठीक है, आया समझ में? तड़ागह कमले विभाति, इसका मतलब होता है तालाब में कमल सुशोभित होता है, या फिर तालाब कमल के द्वारा सुशोभित होता है। ठीक है, तालाब कमल के द्वारा सुशोभित होता है। कमल हमें शब्द दिया गया था, और मैंने यहाँ पर कमल का बहुवचन लिखा है तृतीया विभक्ति में। ठीक है, इसका एक वचनम क्या होगा बताओ? इसका एक वचनम होगा कि कमलेन, द्विवचन होगा कमलाभ्याम, और बहुवचन होगा कमले है। ठीक है, तड़ागह कमले है विभाति।
नेक्स्ट है अहम अपी खेलामी। अहम अपी यानी मैं भी, खेलामी मतलब खेलता हूँ, ठीक है। और हमें दिया गया है कंदुक, कंदुक का मतलब होता है गेंद, ठीक है। तो इसका तृतीय विभक्ति लगाकर हम क्या बनाएंगे, लिखेंगे कंदुकेन। अहम अपि कंदुकेन खेलामी मतलब कि मैं भी गेंद से खेलता हूँ। अब अहम अपि मतलब मैं भी, तो यहाँ पर क्या आएगा, एक वचन आएगा, है ना। यदि यहाँ पर बहुवचन होता तो मैं यहाँ पर क्या लिखती, मैं लिखती कंदुके है, ठीक है। पर यहाँ पर क्या है, एक वचन है, इसी कारण से मैंने यहाँ पर एक वचन लिखा है, ठीक है। मैं भी गेंद से खेलता हूँ। नेक्स्ट है घ में अश्वाहा सह धावंती, ठीक है। अश्वाहा मतलब घोड़े साथ दौड़ते हैं, ठीक है। तो हमें शब्द दिया गया है अश्व, तो हम इसकी तृतीय विभक्ति लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तृतीय विभक्ति अश्वे है। क्यों लगाएंगे, अश्वाहा अश्वे सह धावंती मतलब घोड़े घोड़े के साथ दौड़ते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं, ठीक है, बहुत सारे घोड़े बहुत सारे घोड़ों के साथ दौड़ेंगे, है ना। इसी कारण से मैंने क्या करा है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगाया है, ठीक है। अश्वाहा अश्वे सह धावंती मतलब घोड़े घोड़े के साथ दौड़ते हैं। नेक्स्ट अंग में मृगाहा सह चरंती मतलब हिरण साथ चरते हैं, ठीक है। हमें शब्द दिया गया है मृग, मृग मतलब हिरण, तो हम इसकी तृतीय विभक्ति क्या लगाएंगे, हम इसकी तृतीय विभक्ति लगाएंगे मृगे है। क्यों लगाएंगे, ये हमारा बहुवचन है, ठीक है, मृगा हमारा बहुवचन है, तो हम यहाँ पर भी तो बहुवचन लिखेंगे, है ना। मृगा मृगे है सह चरंती मतलब कि हिरण हिरण के साथ चरते हैं, ठीक है, हिरण हिरण के साथ चरते हैं। आया समझ में, मृगे है हमारा बहुवचन है। अब हमें दिया गया था तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, हमें ये शब्द दिए गए थे, इन शब्दों में हमने तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया है और इन खाली स्थान को भरा है, ठीक है। आपको प्रश्न नंबर 5 समझ में आया कि प्रश्न नंबर 5 में क्या दिया गया था। अब मैं बचे हुए प्रश्नों को मतलब बचा हुआ अभ्यास कार्य मेरे अगले वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।